बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पूर्व सीएम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो फारूक अब्दुल्ला पर क्रिकेट संघ में घोटाले का आरोप लगा है और कहा जा रहा है कि 113 करोड़ का एक घोटाला था। तो चंडीगढ़ में फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ, और पिछले साल भी आपको बता दें कि जनवरी के महीने में उनसे पूछताछ की गई थी और ये पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी, ये पूरा मामला खत्म नहीं हो पाया था। और इसी में अभी मामला आगे बढ़ता हुआ, जब एक बार फिर से यहाँ पर ईडी की पूछताछ फारूक अब्दुल्ला से हो रही है। तो बड़ी मुश्किलें यहाँ पर पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला की बढ़ चली हैं।